Hi everyone, welcome to my channel Super Knowledge CM3. In this video I will talk about notifier NFS2-3030 fire alarm panel. So this is NFS2-3030 intelligent fire alarm control panel, and this is a part of notifiers UL listed Onyx series. ये ओनिक्स सीरीज का है पैनल है नोटिफायर। द NFS2-3030 सपोर्ट्स ओवर 3000 डिवाइसेस ऑन 10 सिग्नलिंग लाइन सर्किट्स। तो इसमें एक से लेकर 10 तक लूप लगा सकते हैं आप। 10 लूप का पैनल होता है ये, परफेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशन। तो मीडियम टू लार्ज स्केल के लिए बेहतरीन है। फीचर्स एंड बेनिफिट्स में है लार्ज 640 टैक्टाइल LCD बैकलिट डिस्प्ले और डिस्प्लेलेस। डिस्प्ले के साथ भी आता है, डिस्प्ले के बगैर भी आता है। यह पैनल 640 कैरेक्टर का LCD बड़ा डिस्प्ले होता है, 16 लाइंस वाला। नेटवर्केबल की विद नोटिफायर नेट के साथ जो है नेटवर्क कर सकते हैं नोटिफायर के दूसरे ब्रांड्स के पैनल्स को। ओनिक्स वर्क्स कंपैटिबल अप टू 200 नोट्स फॉर NFN। तो नोटिफायर नेट एंड ओनिक्स वर्क्स के तहत जो है इनके जरिए से आप 200 पैनल इसमें लगा सकते हैं NFN का। बिल्ट इन इंटीग्रेटेड मोड ऑप्शन, ऑप्शनल इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस कमांड आता है इसके अंदर, है ना। EIA 485 एनसीएटर इंक्लूडिंग कस्टम्स ग्राफिक्स आता है, ग्राफिक्स मिला सकते हैं। इंटरटेक इनलिस्टेड FSAE फंक्शनलिटी, एबिलिटी टू डिस्प्ले स्मोक एंड हीट लेवल इंडिकेशंस फॉर FSAE फायर सर्विसेज एक्सेस एलिवेटर्स यूजिंग ए फायर CO डिवाइस। तो ये सब इसकी मैरन के लिए भी अप्रूव्ड है। स्पेसिफिकेशंस में क्या आता है इसका, सिग्नलिंग लाइन सर्किट्स एक से लेकर 10 तक आ सकते हैं। इंटेलिजेंट डिवाइसेस 3180 टोटल डिवाइसेस, 159 डिटेक्टर्स, 159 मॉड्यूल्स पर लूप लगा सकते हैं। वॉइस एवोकेशन अवेलेबल है इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस कमांड के तहत। पावर 4.5 एम्पीयर्स टोटल सिस्टम पावर है। एनोसिएटर 32 LCD टाइप, 32 SCC टाइप एनोसिएटर लगा सकते हैं ना, जो रिपीटर पैनल टाइप होता है। नेटवर्केबल यस है नोटिफायर नेट और हाई स्पीड नोटिफायर नेट के साथ। लिस्टिंग है यूएल लिस्टिंग, यूएल करके ऑनलाइन सर्टिफिकेट सर्च हेल्प, FM अप्रूव्ड है। क्लास 63204 गैस डिटेक्शन के लिए सर्टिफिकेट हो। तो ये सब है। उसके बाद रिसोर्सेज, तो इस तरह से ये पैनल है हमारा है। ओके, आपको मैं दिखाता हूँ अब अपना एक प्रैक्टिकल वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर नॉलेज CM3। दिस इज वकार अहमद सिद्दीकी एंड इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट नोटिफायर NFS2-3030 फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। दिस इज इंटेलिजेंट एडजस्टेबल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ नोटिफायर UL लिस्टेड ओनिक्स सीरीज। द NFS2-3030 supports over 3000 intelligent devices on 10 signaling line circuits, perfect for protecting large scale application। तो ये जो पैनल है ये UL listed पैनल है और ये मीडियम टू लार्ज स्केल जो फैसिलिटीज़ हैं, बिल्डिंग है, उसके लिए ये बहुत सूटेबल है। इसमें एक से लेकर 10 तक लूप होते हैं। ओके, इसका जो LCD होता है वो 640 कैरेक्टर्स का बाय LCD होता है, 16 लाइंस का। और ये नेटवर्केबल है, इसका नेटवर्क कर सकते हैं किसे, नोटिफायर नेट एंड ओनिक्स वर्क से जो है 200 नोट्स फॉर NFN नोटिफायर के नेटवर्क्स के लिए, यानी कि नोटिफायर के ऑल द मॉडल्स को कनेक्ट कर सकते हैं इस पैनल के थ्रू। 200 नोट्स यानी कि 200 पैनल्स आप नेटवर्क में लगा सकते हैं। बिल्ट इन डिग्रेडेड मोड ऑप्शन, ऑप्शनल इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस कमांड DVC है इसमें। EIA 485 एनोसिएटर इंक्लूडिंग कस्टम ग्राफिक्स, ग्राफिक्स भी इसके आते हैं पैनल के, है ना, और एनोसिएटर्स भी आते हैं इसके। ओके, तो ये इस पैनल की जो है आपको हम
उसके बाद स्पेसिफिकेशन क्या है इस पैनल के, तो इस पैनल में जो है इस NFS 2 3030 में SLC जो है इसको लूप कार्ड लूप बोलते हैं, एक लूप से लेकर 10 लूप तक ला सकते हैं, और वो लूप क्या होते हैं क्लास बी या क्लास ए, स्टाइल 4 मैंने क्लास बी, स्टाइल 6 और 7 क्लास ए, इंटेलिजेंट डिवाइसेस 3180 टोटल डिवाइस ला सकते हैं 10 लूप में, चूँकि एक लूप में 318 डिवाइस लगते हैं और हर लूप में 159 डायरेक्टर्स और 159 मॉड्यूल्स लगा सकते हैं पर लूप। वॉइस एवोकेशन अवेलेबल है, इसका पावर है 4.5 एम्पीयर्स टोटल सिस्टम पावर है जो लेता है। एनर्जीटर्स लगा सकते हैं 32 LCD टाइप, ओके 32 ACS टाइप, ओके LCD टाइप भी और ACS टाइप। नेटवर्कबल है किसे, नोटिफायर नेट और हाई स्पीड नोटिफायर नेट, ओके लिस्टिंग्स क्या है, यूरी लिस्टेड है ये, FM अप्रूव्ड भी है, ओके तो इस तरह की जो है ये नोटिफायर का पैनल है और अच्छा पैनल है, बड़े इसके लिए आता है ये नोटिफायर नेट NCA, ओके फ्रेंड्स। अब इसकी ज़रा सा प्रोग्रामिंग के बारे में बता दूँ, पैनल से जो प्रोग्राम करते हैं जो पैनल यानी ऑपरेशन के बारे में बता दूँ आपको, जैसे पासवर्ड चेंज कर कैसे आता है। तो इसका जो हमारा मेन जो हमारा पासवर्ड है इसका मास्टर पासवर्ड वो है 8x000 है ना, उसके बाद यूज़र पासवर्ड है 8x1, ओके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा पुराम अल्टर सर्च में, इसमें दो है, एक है पुराम अल्टर, पुराम अल्टर में जाएंगे वहाँ पर फिर आप डालेंगे पासवर्ड, इंटर पासवर्ड एक्सेप्ट करेंगे, पैन प्रोग्राम मेनू में आएंगे, उसके बाद मोड पासवर्ड चेंज, फिर ये तो इस तरह का प्रोग्राम खुले आपका मेनू खुलेगा, मास्टर पासवर्ड यूजर पासवर्ड जो चेंज करना वो चेंज कर देंगे आप, फिर उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। यूज़र पासवर्ड चेंज करना वैसे कर लेंगे, और सॉफ्ट कीज देखिए प्रोग्राम अल्ट्रा स्टेटस होता है इसमें, गिव एक्सेस टू द प्रोग्राम चेंजेस मेनू एंड अल्ट्रा स्टेटस से मेनू, अल्ट्रा स्टेटस देता है आपको गिव एक्सेस टू द अल्ट्रा स्टेटस मेनू, ओके मेन मेनू आप कैसे रहता है इसमें, मेन मेनू ऐसे रहेगा, मेन मेनू नॉर्मल कंडीशन में सिस्टम नॉर्मल ऐसे रहेगा, मल्टीपल इवेंट्स लिस्ट प्रिंटर एक्सपेंशन प्रोग्राम अल्ट्रा स्टेटस, बैक करेंगे तो नेक्स्ट जाएंगे आप, है ना। तो ये बड़ा अच्छा पैनल है हनीवेल का, NFS 2 पूरी दुनिया में पाया जाता है ये पैनल, प्रोग्राम करना हो तो इसमें लिखता है कि द NFS 2 3030 ऑपरेट्स विद 2 लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम एंड अल्ट्रा स्टेटस, प्रोग्राम लेवल अलाउज चेंज टू द एसेंशियल कंट्रोल पैनल फंक्शन सच पॉइंट फंक्शन सिस्टम फंक्शन एंड पासवर्ड। पॉइंट फंक्शन से आप पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं, सिस्टम फंक्शन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अल्ट्रा स्टेटस लेवल अलाउज चेंज टू ऑपरेटिंग पैरामीटर सच एज डायरेक्टर सेंसिटिविटी और टाइम डेट और वॉक टेस्ट, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। नो प्रोग्राम मेनू मेनूस विल डिस्प्ले इफ यूजर पासवर्ड इज एंटर्ड, तो प्रोग्राम मेनू का बात है जब आप 0000 वाला डालते हैं ना, मास्टर पासवर्ड आता है, ठीक है ना। डेट प्रोग्राम मेनू ऑटो प्रोग्राम मेनू, ऑटो प्रोग्राम मेनू से आप क्या करते हैं लूप को कन्फिगर करते हैं, पैनल प्रोग्राम मेनू पॉइंट प्रोग्राम मेनू पैनल प्रोग्राम, पैनल प्रोग्रामिंग प्रोवाइड द मीन्स टू द चेंज सेटिंग फॉर द पैनल सिस्टम एंड द होल एज वेल एज टू एड्रेस एंड प्रोग्राम एनसीएसएफ पॉइंट्स, है ना। पैनल प्रोग्राम मेनू में सब आएगा, नेटवर्क पैरामीटर्स, नेटवर्क मैपिंग्स, पैनल सेटिंग्स, पैन टाइमर्स, LCD डिस्प्ले, ACS प्रोग्रामिंग सुपरवाइजर, ये सब आएगा। नेटवर्क पैरामीटर्स में ये सब आएगा, नेटवर्क सेट करना, नोड नंबर आना, है ना, क्लास, ये सब। उसके बाद IP एक्सेस, नेटवर्क मैपिंग, उसके बाद पैनल सेटिंग्स में ये सब आ गया, लोकेशन लोकल कंट्रोल, यस। तो इस तरह के आते रहते हैं पैनल सेटिंग्स। रीजनल सेटिंग्स, पैनल सेटिंग्स,
ये सारा कुछ सेटिंग कर सकते हैं आप, सेंसिबल वाटर फ्लो, तो बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं। तो आपको अब एक जो वीडियो दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो, किसी भाई ने बना के भेजा था मुझे। एक्सेस ब्राउन प्रिज्म लूप कॉन्फ़िगर रिमोट डिस्प्ले रिपीटर पैनल एड्रेस लूप कॉन्फ़िगरेशन लूप वन नेक्स्ट लूप टू लूप थ्री लूप फोर वीकली क्वेश्चन पासवर्ड चेंज फाइनल सेटिंग्स लोकल कंट्रोल यस। ये बुक क्या है रे? मैक्सिमम एक सेकंड बुक LCD display blink ring is 40%. Drill program menu all clear, yeah, all loops, delete point, auto program, all loop status, multiple event list, trouble, history of display, local control, all event, alarm only, trouble only, the person you are